Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpada. So in this lecture series of international economics, today we'll be studying about the simultaneous equilibrium, goods market mein bhi aur asset market mein bhi. Humne goods market aur asset market ki have already uploaded those videos. So if you aren't clear with those concepts, go watch it. So now let's get started for this simultaneous equilibrium. So simultaneous equilibrium ke liye on the X axis हमारे पास income होता है, on the Y axis we have exchange rate होता है, ठीक है? So this is the downward sloping curve is हमारा AA curve and upward sloping curve is हमारा DD curve. So हमें पता है DD curve के right side में क्या है? DD curve गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है, दैट मींस हमारा राइट साइड में क्या एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, यहां पे क्या है एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स, एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स, और एसेट साइड के राइट साइड में देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर मनी, एक्सेस डिमांड फॉर मनी एंड एक्सेस डिमांड फॉर मनी, यहां पे क्या है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी एंड एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर गुड्स मार्केट और एसेट मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम में है. सो शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में वो डिटरमिन कब होता है, जब हमारा गुड्स मार्केट मतलब जो एसेट मार्केट है और हमारी गुड्स मार्केट दोनों मतलब AA कर्व और डीडी स्केड्यूल जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है. दिस इज बिकॉज़ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों गुड्स मार्केट और एसेट मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं साइमल्टेनियसली. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट रन में हम लेट अस सपोज कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, पहले से नेम भी कर देते हैं. सो दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2, zone 3, zone 4. So point of disequilibrium ले लिए जहाँ पे excess supply of goods और excess demand for goods. तो एक arbitrary point ले लेते हैं point A. So इस point पे हमने देख लिया disequilibrium है. यहाँ पर क्या है excess supply of goods है और excess demand for money है. So asset market जो है वो adjust करती है साइमन. तो दो चीज़ें इसके अंदर याद करनी है, जो अगर गुड्स मार्केट है और एक एसेट मार्केट है, तो गुड्स मार्केट में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं ग्रेजुअल और जो एसेट मार्केट है उसमें चेंजेस क्या होते हैं इमीडिएट. सो जो एक्सेस गुड्स मार्केट को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ हम एसेट मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं जहाँ पर एक्सेस डिमांड है मनी की. तो जब एक्सेस डिमांड होगी मनी की तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, एक्सेस डिमांड है मनी की तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करेगा कि मेंटेन कर सके हम इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन को, जिसकी वजह से क्या होगा एक्सचेंज रेट क्या करेगा डिक्रीज करेगा. सो एक्सचेंज रेट डिक्रीज करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, विल रीच टू पॉइंट बी, जहाँ पर अभी भी हमारी हमने अपनी जो मनी मार्केट है एसेट मार्केट जिसे बोलते हैं इस केस में वो उसे तो हमने एडजस्ट किया, बट अब गुड्स मार्केट में हमारा क्या एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है. तो इस केस में हमें पता चल रहा है कि सप्लाई गुड्स की ज़्यादा है, तो जब सप्लाई गुड्स की ज़्यादा होती है तो अनप्लान इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है मतलब कुछ ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है तो उसको क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में उसकी जो आउटपुट है उसे हम कम करेंगे, कि स्टॉक जो पहले इंक्रीज हुआ हुआ है जो फर्म उस प्रोड्यूस करेगी कम लेस प्रोड्यूस करेगी कि सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर इकोनॉमी जो है अलोंग AA कर्व जो है उसे कम करने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट जो है ताकि वो रिड्यूस हो जाए. सो आउटपुट जो है वो रिड्यूस करेगा एंड बोथ एज अ रिजल्ट दोनों क्या हो जाएंगे गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे साइमल्टेनियसली. सो आई होप आपको समझ में आया होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड एसेट मार्केट. नेक्स्ट वीडियो के अंदर वील बी डूइंग द टेम्पररी चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.